नमस्कार, सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लायंस क्लब स्कूल में संपन्न हुआ कजरी महोत्सव, बजती रही तालियां। आप सभी को बता दें कि संस्कार भारती के बैनर तले कजरी महोत्सव के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही प्रख्यात कजरी गायिका और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से विभूषित श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष संस्कार भारती। एवं कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि रहे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मिर्जापुर श्याम सुंदर केसरी और विशिष्ट अतिथि रहे राजेश भारती जी, सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग प्रयागराज। कार्यक्रम के मेहमानों के प्रमुख श्रृंखला में रहे विश्वनाथ अग्रवाल, सदस्य व्यापार कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश, संरक्षक संस्कार भारती, गणेश प्रसाद अवस्थी प्रांतीय अध्यक्ष संस्कार भारती, संजय शर्मा सुप्रसिद्ध भजन गायक और आकाशवाणी उद्घोषक प्रयागराज, कृष्ण गोस्वामी कार्यकारी अध्यक्ष संस्कार भारती, पवन चंद्र जी, विद्यासागर प्रेमी आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का आरंभ वरिष्ठ कलाकार शिवलाल गुप्ता के गणेश वंदना से हुआ। कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें दर्जनों कलाकारों ने किया प्रतिभाग। कार्यक्रम में पहुंची मिर्जापुरी कजरी की जननी कही जाने वाली सुविख्यात कजरी गायिका स्वर्गीय मैना देवी जी की पौत्री, सुप्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती रागिनी चंद्राजी प्रयागराज ने अपनी सुंदर गायकी और मनमोहक अंदाज से सभागार में मौजूद सभी श्रोताओं का मन मोह लिया और रागिनी जी के प्रस्तुति समापन पर पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव जी एवं अन्य मेहमानों ने मिलकर सुप्रसिद्ध लोक गायिका रागिनी चंद्र जी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कजरी महोत्सव का सफल संचालन शिवराम शर्मा ने किया। सत्य यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद जी। अपना परिचय बताइए। मैं उर्मिला श्रीवास्तव, यहाँ के लोग गीत कलाकार हैं और संस्कार भारती के अध्यक्ष हैं। आज का ही महोत्सव का प्रोग्राम रखा गया है, क्या कहना चाहती हैं आप? ये तो जगह जगह, मतलब क्या आपको मालूम होगा कि मिर्जापुर में जगह जगह होता था, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उस वो ख़त्म न होने पाए। हम लोग का पूरा प्रयास है कि जैसे पहले होता था उसी तरह का दृश्य कुछ हम लोग लाना चाहते हैं और जो भी यहाँ के कलाकार हैं स्थानीय सबको ले करके और कजरी की जो अनेकों विधाएँ हैं उनको हम सुनते हैं। आज माँ का हमारे जागरण है। माँ विंध्यवासिनी जी का एक दूसरा नाम कजला देवी है, आप जानते हैं, तो कजला देवी से ही कजरी की उत्पत्ति है और हमारे मिर्जापुर की धरोहर है, मिट्टी की सुगंध है और पूरे विश्व में जाना जाता है मिर्जापुरी कजरी। तो ये कजरी हमारे लिए बहुत ही नियामत है, बहुत ही बड़ी चीज़ है, हमारी धरोहर है, हमारी पूंजी है और ये हमेशा इसी तरह विरल गति से चलती रहे, कलाकार लोग पैदा होते रहे, हमारे मिर्जापुर का नाम रोशन करें, हमारे भारत का नाम रोशन करें, हम लोग यही चाहते हैं। जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शिवराम शर्मा है, मैं पूर्व महामंत्री संस्कार भारती मिर्जापुर का हूँ और यह आज के दिन माँ कजला देवी के नाम से कजली का यह जो गायन शैली है मिर्जापुर संस्कार भारती आयोजित कर रही है। प्रतिवर्ष यह मुलायंस स्कूल में होता है। विंध्याचल में भी रत जगह के नाम से माँ विंध्यवासिनी का एक नाम कजली है, उन्हीं के नाम के अनुसार यह कजली गायन एक विशेष शैली का गायन है जो केवल पूरे भारत में मिर्जापुर में ही गाई जाती है। कितने वर्षों से ये होता आ रहा है? विगत कई वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से मेरी जानकारी में यह कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। इसमें कितने कलाकार आएंगे? इस हमारे यहाँ तो लगभग मिर्जापुर जनपद की कजली की जो विविध विधाएं हैं, जैसे चौलर हुआ, चौलर नृत्य हुआ, कजली हुआ, इसके लगभग 50 कलाकार बनारस, मिर्जापुर और आसपास के क्षेत्रों से और इलाहाबाद के क्षेत्र से भी इस कलाकार इसमें सम्मिलित होंगे।